कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को स्टडीज करेंगे और उनके दरमियान डिफरेंसेस को देखेंगे। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के पेपर में ये ज़रूर पूछी जाती है। गैस एक्सचेंज, ब्रीथिंग हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारा गैस एक्सचेंज है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, हम पहले जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? आपको नाम से पता चल रहा होगा, सेलुलर सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन का प्रोसेस। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी क्लियर हो गया? व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं कहाँ पर? ये एक्चुअली हमारी फूड के अंदर है। कैसी फूड? जो ऑर्गेनिक इन नेचर हो। ऑर्गेनिक इन नेचर फूड ऐसी फूड होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी पाए जाते हैं। जैसे हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हमारी जो ज़्यादातर बेसिकली जो फूड होती है वो हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इंटेक कर रहे होते हैं, तो उसमें मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं कौन से रिएक्शन के जरिए? हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के जरिए। और कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन का भी नाम दे रहे हैं बच्चों। ओके, फूड में मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनमें जो दरमियान में बॉन्डिंग हुई हुई है वो कौन सी नेचर की है, उसमें कौन सा एनर्जी मौजूद है? उसमें एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई होती है। वो जो पोटेंशियल, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी की फॉर्म में हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे अपने डेली वर्कआउट करने के लिए। अब एटीपी क्या है? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट्स मीन इस एटीपी के मॉलिक्यूल में तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, और एक्चुअली जो हमारे पास एनर्जी का जखीरा है वो फॉस्फेट बॉन्ड ही होता है। जब ये टूटता है तो फॉस्फेट जो है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा हमारे डेली फंक्शन को करने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों? अभी हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे। पहले मैं नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करने जा रही हूँ, दैट इज ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये किसकी मदद से हो रहा है? हमारी रिब्स की मदद से। आप अपने एक गहरा सांस लें, सब बच्चे जब गहरा सांस लेंगे उनको खुद ही फील हो जाएगा, गहरा सांस लेने के दौरान हमारी जो रिब्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ। तो फिजिकल, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगी तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? टेक इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड टेक आउट एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हवा में मौजूद हम हवा को इनहेल कर रहे हैं, और क्यों इनहेल कर रहे हैं? हमने कौन सी गैस को टेक इन करना है? ऑक्सीजन को। और हमारी बॉडी में मौजूद जो एयर है हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, क्यों? ताकि हमारी बॉडी में मौजूद या हमारे सेल्स में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए या हमारे सेल्स को नहीं चाहिए, हम उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, हम उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं फिजिकल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रिब्स, उसका क्या नाम है बच्चों? ब्रीदिंग का प्रोसेस है। इट इज प्योरली फिजिकल प्रोसेस। ओके, क्लियर हो गया होगा? अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। अब हम अगर डिफरेंसेस देखें सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का, तो पहला जो उसमें फर्क है वो डिफरेंस पहला जो है वो क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये सेल्स के अंदर हो रहा है,
जबकि ब्रीदिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें हमारी पूरी बॉडी में मौजूद जो हमारे पार्ट्स हैं जैसे हमारे रिब्स हो गए, हमारा डायफ्राम हो गया, हमारे लंग्स हो गए, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिजिकल प्रोसेस है ये, एक्चुअली फिजिकल फिनोमेना है। ये हेल्थ किसकी मदद से हो रहा है? ये रिब्स की मदद से हो रहा है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर हो रहा है, और इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। लेकिन ये बेसिकली एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसको हम बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैसेस चेंज हो रही है ये एक केमिकल प्रोसेस के जरिए हो रहा है। अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्योरली केमिकल प्रोसेस है, उसका रिवर्स कर दें तो रेस्पिरेशन है, जो कि यानी कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाली जो फूड है वो हम यूटिलाइज कर लेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहे हैं, और उसमें जो बॉन्ड में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इसमें एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में हमने एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तो ये फिजिकल भी है सेलुलर रेस्पिरेशन, फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग प्योरली फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। अगर आप देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसकी जो बेसिक है एक्चुअली ब्रीदिंग का प्रोसेस है। जब तक हम ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे उस वक्त तक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं और ऑक्सीजन को हासिल कर रहे हैं। जब तक ऑक्सीजन और हवा अंदर नहीं जाएगी उस वक्त तक सेल लेवल तक रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब अगर हम देखें गैसीय चेंज की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी गई है वो प्योरली एनिमल्स के रेफरेंस से लिखी गई है। गैसीय चेंज है क्या? टेक इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखें ब्रीदिंग और गैसीय चेंज का की जो डेफिनेशन है वो सेम है, लेकिन हम ब्रीदिंग की डेफिनेशन को जो गैसीय चेंज की डेफिनेशन की टर्म्स में लिखेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। वो कैसे? ब्रीदिंग कहता है टेक इन एयर टू कैट ऑक्सीजन एंड टेक ऑफ एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि गैसीय चेंज की सिंपल डेफिनेशन क्या है? टेक इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इतनी सी बात करेंगे तो वो एनिमल के रेफरेंस से होगी। होप्सो आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर। ओके, अल्लाह हाफिज़।